आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मजार पर हाजिरी देने का सही वक्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे और ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube कादरी जी का, रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि कब्रों को छूना जायज है, लेकिन जब कब्रों पर जाएं तो उनका ऐसे अदब करें जैसे उनकी जाहिरी हयात में हम उनका अदब करते थे। अब अगर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आ जाएं तो क्या आप पूरा वजन उनके कंधों पे डाल करके गिर पड़ेंगे? ये तो बेअदबी होगी ना। तो जिस वक्त आप अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ, हुजूर किबला के साथ ऐसा नहीं करते तो फतेह शाह वली कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी शान और अजमत कितनी है। तो हम कब्र वालों में, जमीन वालों में, जो जमीन पे उनको उनको और जो जमीन के अंदर है उनको, वली जमीन के ऊपर हो या अंदर हो, हमारे दरमियान फर्क नहीं है। हम जमीन के ऊपर जैसा एहतराम करते हैं, अंदर जाने के बाद भी वैसा ही एहतराम करते हैं। तो कब्र को छूना जायज तो है, लेकिन खिलाफ अदब है। इसलिए कब्रों पर, मजारात पर हाजिरी का तरीका यह है कि दो हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, अपनी मुरादें पेश करें और जो है वो पिछले पैर जैसे अदब के साथ, हम उल्टे पैर निकलते हैं वैसे ही जो है वो पैरों को जो है वो पीठ न करते हुए अदब के साथ निकल जाएं। वहाँ जा कर के बेअदबी करने से कहर की नज़र पड़ सकती है, और अदब करने से वो सब कुछ मिलता है बल्कि जो मांगते हैं अदब की बरकत से मांगने से ज़्यादा मिला करता है, क्योंकि अल्लाह वालों को अदब बहुत पसंद है। इसलिए अदब का ख़ास ख्याल किया जाए। वहाँ जाएँ तो बहुत अदब से दो हाथ दूर खड़े रहकर फातिहा पढ़ें, क्योंकि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। यहाँ मुझे एक वाकया याद आता है, हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला के आस्ताने पर एक हाफिज़ कुरान कुरान मुकद्दस की जो है वो तिलावत करते बैठा था, और वो अपनी मुराद मांगता था तो उसकी मुराद मिलने में कुछ ताखीर होती थी। उसने देखा कि एक शख्स आया या एक खातून आई जो नेक तो नहीं थे, बल्कि उनकी बुराइयाँ उनके चेहरे से और उनके किरदार से जाहिर थी। उन्होंने मांगा, फौरन मुराद मिल गई। तो उसने कुरान शरीफ बंद किया, और बंद करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ गरीब नवाज की चौखट पे यूं पटकी, और पटकने के बाद कहा, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं, इतने दिन से बैठा हूँ, मुराद मिलती नहीं, ताखीर होती है, ये अभी आए और अभी चले। बस कुरान शरीफ रख कर और चौखट पर यूँ हाथ मार कर जैसे ही निकला था कि उसने क्या देखा कि गरीब नवाज सरकार के मज़ार के अंदर से एक नूरानी चेहरे वाले बारो बुज़ुर्ग असा टेकते हुए बाहर निकल रहे हैं, और उनको कहा, हाफिज जी इधर आए। आने के बाद कहा कि क्या बात है, नाराज़ होकर क्यों जा रहे हैं? कहा, इस चौखट पर इंसाफ ही नहीं है, मैं कितने दिनों से कुरान मुकद्दस की तिलावत करते बैठा था, मेरी मुझे ताखीर हुई और वो आए और उनकी मुराद पूरी हुई और वो ये चल दिए। फरमाया कि हाफिज जी अब जा रहे हो ना, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दिया, जाओ आप। तो कहा कि आप कौन है? फरमाया कि मुराद पूरी हो गई, अब आप चले जाएं। कहा, नहीं आप बताएं कौन है? तो फरमाया कि जिसकी चौखट पे मांगने आए थे वो मैं ही तो हूँ, लेकिन आप जी जाते 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 देख जाएं, और आपने जब अपनी पीठ पर से कपड़ा हटाया तो पंजों के निशाना दोनों आपकी पुश्त पर मौजूद थे। उन हाफिज साहब ने कहा, ये क्या? कहा कि जो तूने मेरी चौखट पे मारा है वो मेरी चौखट पे नहीं बल्कि मेरी पुश्त पर है। तो उस वक्त तो हाफिज जी से कहा, हाफिज जी आपको जो रोक रहे थे वजह ये थी कि तेरी तिलावत कुरान की आवाज़ बड़ी भली मालूम होती थी, हम ये सोचते थे अभी देंगे तो तू अभी चला जाएगा, इसलिए रोकना तुझे इसलिए था ताकि तू ज्यादा तिलावत करता रहे और हम मसरूर होते रहे। और उनको जो जल्दी दे करके टाला है इसलिए कि वो उनका आना हमें भला न लगा, इसलिए उनको जल्दी देकर टाल दिया। तो कभी जल्दी देते हैं तो भी हिकमत होती है, ताखिर से देते तो भी हिकमत होती है, लेकिन बात यह है अदब वाले को जो मिलता है वो बेअदबों को नहीं मिलता। इसलिए जब मजारात पर जाएं तो अदब के साथ जाएं। अल्लाह हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। आपने सवालात किए, हमने जवाबात दिए, और ये अल्लाह की तौफीक से जो सही है वो अल्लाह रसूल की तरफ से है, अगर उसमें कोई गलती है
तो ये मेरे नफ्स की शरारत है, अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व खैरा। सुभान अल्लाह, अरे यार इतना बहुत अच्छा बयान था यार, सच में बहुत अच्छा था। रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और जब उन्होंने कहा कि आपने जब मुझे से दो हाथ से मेरी कब्र पर ना एक कोई तो खातून आई जो अच्छी नहीं थी, मतलब कुछ तो उसमें गड़बड़ी होगी या कुछ तो कमियां होती है किसी में, फिर भी उसकी मुराद जल्दी पूरी हो गई और हुई नहीं तो उन्होंने ऐसे दो हाथ से ऐसे किया तो अल्लाह की पीठ पर लगी। अल्लाह नहीं यार, फिर जिनकी कब्र थी वो, हाँ जिनकी कब्र थी उनकी पीठ पे लगी। और वो अल्लाह तो बहुत बड़े, अल्लाह तो जमीन पे आएंगे ही नहीं तो क्योंकि उनके सामने जमीन बहुत एकदम धूल की कण है। ये नबी हो गए शायद, नबी नहीं, उन्होंने कितनी बार बताया वो जो जिसकी कब्र थी उनका नाम बताया, वो बहुत डिफिकल्ट है इसलिए हमें आ नहीं रहा है। याद नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छा नबी था और नबी नहीं है यहाँ पे, नबी को यहाँ पे ईरान में ही रहेंगे शायद। हाँ। नहीं ईरान में नहीं, सऊदीया में रहेंगे। हाँ। तो एक एक बात बताई उन्होंने कि क्या कहा, उनकी मुराद पूरी नहीं हुई क्योंकि वो रोज आके वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ते थे। और स्टार्टिंग में उन्होंने कहा ना कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो हमें जब भी उनके नहीं नहीं कब्र पर नहीं जाना चाहिए, हाथ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, हाथ नहीं लगाना चाहिए ऐसे तो कहा ना, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी के भी कब्र पे जाए तो वहाँ पे जरा अदब से पेश आए, अदब से पेश आए। हाँ, ना कि बेअदब, एक हाथ की दूरी रख, बेअदब सी, तो एक हाथ की दूरी रख कर आप ऐसे ऐसे करके आओ। हाँ, एक हाथ दूरी रख के दूर से बात करें, ना कि वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाके। हाँ, तो और पीछे जाने के टाइम पे ऐसे पैर चले जाओ। हाँ, ना कि पीठ दिखा करके तो। और जब हाँ उन्होंने हाथ मारा तो उनकी पीठ पे लगा जिनकी वो कब्र थी, और अंदर से जो बहुत नूरानी चेहरा था बोले वो ना, तो अच्छा मतलब दिखते होंगे वो जवाने में, वो डायरेक्ट आए, मतलब हम बोल सकते वही आए। और उन्होंने कहा कि मत जाओ, नहीं तुम्हारी मुराद पूरी कर दी है मैंने, तुम जाओ अब। नहीं जाओ, मत नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, मुराद पूरी कर दी पहले तुम, तो बोल रहे थे नहीं मत जाओ क्योंकि तुम हमारी नमाज पढ़ते हो तो अच्छा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जरा सुनो अभी, वो बोल रहे थे कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की है, तुम जाओ, जाओ। और उसने कहा कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले। हाँ। तो उसने कहा तुम कि कौन होते हैं, नहीं कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा जिसके दरबार में तुम रोज नमाज पढ़ते थे, रोज दरबार नहीं दुआ करते थे, जिसकी कब्र पे, तुम पे। हाँ, तो वही वो मैं ही हूँ। तो उसने जब तुम्हें रोक रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम रुको और मैं मेरे और दुआ करो मेरे, नहीं नहीं तुम मुझे तुम रुको और तुम्हारी जो आवाज़ है अच्छी है। हाँ। और मुझे तुम्हारे मुंह से नमाज सुनने में अच्छा लग रहा। हाँ, है तो वीडियो बहुत अच्छा था, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।